everyone, welcome to this video. This is Aarti Mishra, one of the top educator of UPSC-CSE. आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर की जो अपने आप में काफ़ी ज़्यादा फेमस है. आज हम हैं एक स्तूपा में और हम ये जानेंगे कि स्तूपा के अलग अलग पार्ट्स क्या होते हैं, उसका क्या मतलब है, वो कैसे एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं और उनके अलग अलग पार्ट्स की क्या क्या स्पेशलिटी है और क्यों उसको इतना ज़्यादा माना जाता है. आज भी उसको डिस्ट्रॉय हम नहीं कहते कि बहुत सारे जगह पे प्रिजर्व किया जाता है और डिस्ट्रक्शन बहुत सारे आर्किटेक्चर्स का हुआ, कई सारे हिंदू टेम्पल्स का भी हुआ, पर आप बहुत रेयरली देखेंगे कि किसी स्तूपा का डिस्ट्रक्शन हुआ. सो विल स्टार्ट द वीडियो फ्रॉम द पार्ट ऑफ द गेटवे, हाउ द गेटवे यूज टू बी देयर. लेट्स गो एंड सी द तोरण. तोरण का मतलब होता है गेट, ठीक है. तो बेसिकली अब जब हम लोग स्तूपा में एंटर करेंगे तो तोरण के थ्रू करेंगे और उसको सजाया गया है अलग अलग स्कल्पचर्स से, जिसमें यक्ष और यक्षिणी के स्कल्पचर्स काफ़ी फेमस रहे थे. और यक्ष और यक्षिणी का सबसे पहला मेंशन हमें शिल्पदिकारम में मिलता है जो कि एक तमिल टेक्स्ट है. तो आइए इसे देखते हैं. जैसे कि हम तोरण में देख सकते हैं कि एलिफेंट्स के बहुत सारे स्कल्पचर्स यूज किए गए हैं. किसी भी बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर में आपको ये बहुत कॉमन चीज़ देखने को मिलेगी कि लोटस और एलिफेंट्स का काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया गया है. मौर्यन पीरियड में यानी कि अशोका के काल में 3rd century BC में सबसे ज़्यादा स्तूप बनवाए गए थे जब अशोका ने कलिंग वॉर के बाद बुद्धिज्म को अपनाया. लेकिन हम ये देखते हैं कि इसमें जो डेकोरेशन का पार्ट है यानी कि स्तूप का डोम बड़ा होना, स्तूप में बहुत डेकोरेटिव गेटवेज का ऐड होना, वो पोस्ट मौर्यन टाइम में ही देखने को मिलता है. आइए देखते हैं कि ये जो गेटवे है ये किस तरीके का है और उसमें कैसे स्कल्पचर्स. आप देख सकते हैं ये बोधिसत्व एक स्कल्पचर है जिसके अंदर लोटस जो है वो होल्डिंग है. तो वज्रपानी, देवपानी करके कई सारे इस तरीके के स्कल्पचर्स बनाए जाते थे और एलिफेंट का जो एक स्टैचू है वो हमेशा मिलेगा. ऊपर आप ये देख सकते हैं कि ये जो स्कल्पचर्स हैं ये जातक कथाओं से प्रेरित है. जातक कथाएं यानी कि बुद्ध की ज़िंदगी से जुड़ी हुई कथाएं, बुद्ध की लाइफ से जुड़ी हुई कथाएं जो कि बुद्ध के फॉलोअर्स के द्वारा लिखी जाती थी और उन्हें बुद्धिस्ट मॉन्क्स ने प्रिजर्व किया था. तो आइए देखते हैं कि ये जो स्तूप है वो कैसे हैं. अभी हम देखेंगे कि स्टार्टिंग में एक पिलर का पार्ट आएगा, हम पिलर के भी अलग अलग पार्ट्स को कवर करेंगे क्योंकि आज हम जहाँ आए हैं वो बड़ा ही वीकेंड का दिन है तो काफ़ी ज़्यादा क्राउड ही है. इस पर्टिकुलर गार्डन इज बेस्ड ऑन जापानीज गार्डन. तो जापानीज गार्डन का एक यूनिक फीचर जो है वो हमें देखने को मिलता है. आप देख सकते हैं कि ये जो स्तूप है इसके अंतर्गत क्या क्या इसका मतलब है ये मैं आपको बता देती हूँ. स्तूप बनाने का कारण ये था कि बुद्ध के या उनके जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट आप कह सकते हैं कि जो मंक्स थे जो उनसे जुड़े हुए थे, जैसे कि आनंद और उपोली, उनके सबसे बड़े शिष्य माने जाते हैं. तो बुद्ध और बुद्ध के जो शिष्य थे उनके रिलिक्स को प्रिजर्व करने के लिए स्तूप बनवाया जाता था. 6th century BC में काफ़ी सारे नए नए धर्मों की शुरुआत हुई और इंडिया में एक रिलीजियस मूवमेंट की दौड़ चल पड़ी क्योंकि 6th century BC में इंडिया ने सेकेंड अर्बनाइजेशन को देखा. और जब अर्बनाइजेशन एंड कॉम्प्लेक्सिटीज लोगों की लाइफ में बढ़ती है तो लोग उसी तरफ स्पिरिचुअलिटी को बहुत तवज्जो देते हैं और स्पिरिचुअलिटी की तरफ भी अट्रैक्ट होने लगते हैं बिकॉज अर्बनाइजेशन की वजह से जो प्रॉब्लम लोग फेस करते हैं, जो भी दिक्कतें उनके लाइफ में आती हैं उसका सॉल्यूशन ढूंढने के लिए वो स्पिरिचुअली बहुत सारे आंसर्स ढूंढते हैं और इन्हीं आंसर्स को लेकर के आया जैनिज्म और बुद्धिज्म. तो आइए देखते हैं कि स्तूप के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं. हम सबसे टॉप से अगर शुरू करें तो सबसे हमारा जो टॉप मोस्ट पार्ट होता है वो आप देख सकते हैं दैट इज़ छत्र. और जो छत्र है वो एक अम्ब्रेला की तरह है. तो अम्ब्रेला की जो स्टिक होती है, अम्ब्रेला की स्टिक को हम यष्टि कहते हैं. यष्टि यानी कि द स्टिक ऑफ अम्ब्रेला.
एंड देन आप ये देख सकते हैं कि जो ये अम्ब्रेला के अराउंड जो फेंसिंग है उसको आप वर्मिका कहते हैं, और उसके नीचे ये जो डोम है ये एक जो है अर्धगोलार्ध है, यानी कि प्रॉपर स्फेयर नहीं है। तो इसमें क्या है कि ये एक अर्थ के इस पूरी यूनिवर्स को दिखाता है, और पर्टिकुलर वो जो यष्टि का पार्ट है वो एक्सिस को दर्शाता है। यहाँ पर हम ये भी देखेंगे कि इस पूरे डोम को जो है पूरी तरीके से फेंसिंग की गई है, ये स्टोन फेंसिंग की जाती थी, और कहीं ना कहीं उस समय में हम ईरान से बहुत ज़्यादा इंस्पायर थे। ईरान के साथ भारत का बहुत व्यापार भी होता था, तो ईरानियन पिलर्स का एक बहुत ही जो आप कह सकते हो कि उसका एक अंश इंडियन पिलर्स में भी देखने को मिलता है। तो स्तूप के अंदर बेसिकली क्या था, जैसे कि बुद्ध के द्वारा यूज़ की गई वस्तुएं, बुद्ध के शरीर के अवशेष, बुद्ध के दांत, इस तरीके की चीज़ें, या बोधिसत्व या जो वो मंक्स फॉलो करते थे। तो कैसे ये डोम बन रहा है, बेसिकली दे विल कीप अ बॉक्स, उस बॉक्स में वो रेलिक्स को रख देंगे, और उन रेलिक्स को फिर वो पहले ईंटों से ढकेंगे, उसमें कच्चा प्लास्टर करेंगे, फिर उसके ऊपर और ईंटें डालेंगे, फिर उसमें पक्का प्लास्टर करेंगे, प्लास्टर के ऊपर प्लास्टर करते करते वो एक पूरा डोम बन जाएगा, ठीक है। सो दैट इज़ डोम। अभी आप ये भी देखेंगे कि डबल स्टेयर वे होता है, डबल स्टेयर वे इज़ अ वेरी कॉमन थिंग ऑफ बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर विच यू विल सी। सो डबल स्टेयर वे में एक तरफ आप स्टेयर से चढ़ोगे, प्रदक्षिणा करोगे और दूसरी तरफ से उतर जाओगे। आइए देखते हैं डबल स्टेयर वे किस तरीके से वर्क करता है। यहाँ से आप देख सकते हैं द व्यू इज़ वेरी नाइस। इसके अंदर बहुत सारे ऐसे भी हमें वो देखने को मिलेंगे, बेसिकली जो ये स्कल्पचर्स होते हैं जिसमें बुद्ध के अलग अलग पोजेज हैं, जिसे बुद्ध की मुद्राएं कहते हैं, और हर एक मुद्रा की अपनी एक खासियत है, तो हर एक मुद्रा के बारे में भी हम बात करेंगे। सो बेसिकली आप ये देख सकते हैं डबल स्टेयर वे, एक तरफ से लोग चढ़ रहे हैं और दूसरी तरफ से उतरने के लिए डबल स्टेयर वे है, इसी को हम डबल स्टेयर कहते हैं। और ये जो जगह आप देख रहे हैं जहाँ मैं खड़ी हूँ, इसके ऊपर जब हम जाएंगे तो एम्बुलेटरी पैसेज वे आएगा, जिसे प्रदक्षिणा पथ भी कहा जाता है। आइए चलते हैं प्रदक्षिणा पथ पर और जानते हैं इसका महत्व क्या है। ये है एम्बुलेटरी पैसेज वे जिसके ऊपर मैं चल रही हूँ। ये एम्बुलेटरी पैसेज वे जो है इसमें प्रदक्षिणा करके लोग अपनी प्रेयर्स करते हैं, ये हेल्थ बेनिफिट्स के साथ भी आता है, और साथ ही साथ इसमें लोग जो अपनी प्रेयर है, अपनी विशेष है, उसे ईश्वर के सामने रखते हैं। ये जो स्टैचू आप देख रहे हैं, स्टैचू के बारे में अगर मैं बात करूं, तो ये स्टैचू जो है इसका आप देख सकते हैं, ये महापरिनिर्वाण का स्टैचू है, जिसमें बुद्ध को जब निर्वाण की प्राप्ति हुई, यानी कि जब बुद्ध की, हालांकि ऐसा मृत्यु शब्द यूज़ नहीं करना चाहिए ऐसे महापुरुषों के लिए, लेकिन हाँ, जब उन्होंने इस शरीर को त्यागा, तब जो है ये पर्टिकुलर जो बुद्ध का पोज है ये आता है, ये एक मुद्रा है। आइए अगली मुद्रा की तरफ चलते हैं। दिस इज अ वेरी ब्यूटिफुल स्तूपा। बेसिकली अगर आप दिल्ली में हैं तो मैं आपको जरूर सजेस्ट करूंगी कि यहाँ जरूर आए। ये देखिए, ये एक और बुद्धिस्ट जो मुद्रा है वो हमें देखने को मिल रही है। एम्बुलेटरी पैसेज वे की इम्पॉर्टेंस बहुत ही ज़्यादा है, हालांकि ये आप हिंदू टेम्पल्स में भी देखेंगे कि एम्बुलेटरी पैसेज वे होता ही है। ये एक और बहुत ही इम्पॉर्टेंट मुद्रा है, इसे हम भूमि स्पर्श मुद्रा कहते हैं। थोड़ा पीछे से अगर ये भूमि स्पर्श मुद्रा है, इस मुद्रा का मतलब ये है कि जब बुद्ध को
सेल्वेशन की, यानी कि नहीं सॉरी नॉट सेल्वेशन, सेल्वेशन और इनलाइटमेंट दो अलग अलग बातें हैं। तो जब बुद्धा को इनलाइटमेंट की प्राप्ति हुई तो बुद्धा ने जो है भूमि को स्पर्श किया और उसको साक्षी बनाया इस बात का कि उन्हें अब इनलाइटमेंट की प्राप्ति हो चुकी है, यानी उन्हें सत्य की खोज उनकी पूरी हो चुकी है। यहाँ से आप देख सकते हैं पूरे शहर का क्राउड आज है। वैसे वेदर बहुत ही ज़्यादा सुंदर है तो ये भी चीज़ हमें देखने को मिल रही है। यहाँ से आप देख सकते हैं कि वो जहाँ से आप लोग एंटर हुए थे वो तोरण विजिबल है यहाँ से। तो बेसिकली मैं आपको बता रही थी कि बुद्धिज्म की शुरुआत होने के कारण क्या है। तो जो हमारा बुद्धिज्म है उसकी शुरुआत होने का जो सबसे बड़ा कारण माना जाता है वो ये है कि हिंदुइज्म में बहुत सारी चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं किया जाता था, जैसे महिलाओं को, शूद्रों को, वैश्यास को हमेशा सोशली थोड़ा सा डाउन रखा जाता था। तो वैश्यास जो कि ट्रेड एंड कॉमर्स करते थे, जब उन्होंने इकोनॉमिकली अपने आप को अपलिफ्ट किया तो अपने आप को सोशली भी वो अपलिफ्ट करना चाहते थे। ऐसे में उन्हें एक ऐसे धर्म की ज़रूरत थी जो उन्हें इक्वालिटी के साथ ट्रीट करे। इसीलिए सबसे ज़्यादा जो डोनेशंस हैं बुद्धिज्म और जैनिज्म को वो वैश्यास की कम्युनिटी यानी ट्रेडर्स और कॉमर्स के द्वारा मिलते हैं। सो यहाँ पे हमारा प्रदक्षिणा पथ पूरा होता है, एम्बुलेटरी पैसेज डे इज कम्प्लीटेड। नाउ वी विल गो टू सेकेंड स्टेयर। नाउ जो डबल स्टेयर वे है उसके डबल स्टेयर वे को हम पूरी तरह से यूज करते हुए, तो यहाँ से जैसा कि आप देख सकते हैं कि फिर हम नीचे चले जाएंगे। आई होप आपको आज का ब्लॉग बहुत अच्छा लगा हो और ऐसे ही बहुत सारे आर्किटेक्चर्स को हम आने वाले वीडियोस में कवर करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज सब्सक्राइब। See you then. Take care. Bye-bye.